Dear students, in this module, we are going to talk about different patterns of social mobility. So, there are different patterns of social mobility that vary across societies and across time. Structural mobility refers to the changes in social status that are the result of changes in the structure of the society, such as economic growth or political change. तो जब हम पैटर्न्स ऑफ सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत अहम है ये जानना कि कुछ मोबिलिटी फैक्टर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडिड होते हैं किसी भी माशरे का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो उस मोबिलिटी के हवाले से कितना फेवरेबल है जो इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स हैं वो कितने फेवरेबल हैं और ख़ास तौर पे जब हम इसको ओवरऑल देखें तो वो मुशर जो है वो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो कि इंडिविजुअल को सोशल मोबिलिटी उसके लिए एक्सेसिबल बनाए जैसे कि एक्नॉमिक ग्रोथ होती है या पोलिटिकल चेंजेस होती हैं तो ये बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं किसी भी माशरे के स्ट्रक्चर के अंदर तो जिस तरह के एक्नॉमिक कंडीशनस होंगी माशरे में उसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी सोशल मोबिलिटी की इसी तरह से जो पोलिटिकल सिचुएशन होती है जो आपकी पॉलिसी मेकिंग होती है वो हैवीली डिपेंडेंट होती है आपके पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर अगर आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज जो हैं वो फेवरेबल हैं तो आपके लिए सोशल मोबिलिटी के प्रोसेसिस या पैटर्नस भी आसान हो जाते हैं देन वी हैव द एक्सचेंज बेस्ड मोबिलिटी विच रिफर्स टू द आइडिया दैट सोशल मोबिलिटी इज बेसिकली आ जीरो सम गेम वेयर वन पर्सनस अपवर्ड मोबिलिटी कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर पर्सनस डाउनवर्ड मोबिलिटी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू सी दैट कि वन पर्सनस गेन इज़ कंसिडर्ड पोटेंशली द लॉस ऑफ अनदर पर्सन इसके मुताबिक सोसाइटी के अंदर जो सोशल पोजिशन होती हैं वो फिक्स होती हैं uh, जैसे कि आपने म्यूज़िकल चेयर को देखा होगा uh, उसको एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कोट करते हैं कि म्यूज़िकल चेयर के अंदर जो नंबर ऑफ चेयर्स होती हैं वो फिक्सड होती हैं और उसमें जो उन चेयर्स के आक्यूपेंट्स होते हैं वो हमेशा तादाद में ज़्यादा होते हैं तो किसी भी एक पर्सन का उस चेयर को एक्सेस करना पोटेंशियली किसी दूसरे पर्सन के लिए जो है वो लॉस होता है तो बिल्कुल इसी तरह से सोशल पोजीशंस भी जो हैं वो इसी म्यूज़िकल चेयर की तरह हैं कि वहाँ पर भी ये पोज़िशंस जो हैं वो लिमिटेड होती हैं और किसी एक पर्सन की मोबिलिटी जो है वो पोटेंशियली किसी दूसरे पर्सन के लिए जो है वो डाउनवर्ड मोबिलिटी कंसिडर होती है देन वी हैव द स्टेटस अटेनमेंट मोबिलिटी विच रिफर्स टू द आइडिया दैट सोशल मोबिलिटी इज इंफ्लुएंसड बाय एन इंडिविजुअल्स एजुकेशन स्किल्स एंड अचीवमेंट एज वेल एज बाय देयर फैमिली बैकग्राउंड एंड सोशल नेटवर्क सो स्टेटस अटेनमेंट मोबिलिटी जो है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि एक्चुअली जो आपकी मोबिलिटी है वो बहुत से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है जो कार कारमा होता है बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि आपकी एजुकेशन जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी आपकी मोबिलिटी के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं इसी तरह से ऐसी लाइफ स्किल्स जो आप एक्वायर करते हैं जिनकी माशरे के अंदर कोई यूज़ वैल्यू मौजूद है तो वो स्किल्स भी आपके लिए मोबिलिटी को हाई करने में जो है हेल्पफुल साबित होती हैं फिर आपकी जो अचीवमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे जो आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है और आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है ये सारे अवामिल मिल के जो है आपके इस मोबिलिटी के प्रोसेस को एक स्टेटस अटेनमेंट के अंदर कन्वर्ट करती हैं जिसमें आपके लिए सोशल मोबिलिटी आसान हो जाती है तो अगेन इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर स्टेटस अटेनमेंट मोबिलिटी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ख़ास तौर पे एजुकेशन के ज़रिए और सर्टन या डिफरेंट अचीवमेंट्स के ज़रिए तो आजकल कल चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत कम चांसेस रह गए हैं या बड़े महदूद हैं ये चांसेस के अपवर्ड सोशल मोबिलिटी इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हो तो आ, इसके लिए भी आपको ये आ, देखना है ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह से हमारी एजुकेशन या डिफरेंट लाइफ स्किल्स की लर्निंग जो है वो हमारे लिए अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का बायस बन सकती है